हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सभी मजे में होंगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि एल नाम वाले जातक एवं एल नाम वाले जातक यदि शादी करते हैं तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एवं वीडियो के नीचे में अपना नाम कमेंट कर देना है एवं वीडियो को ध्यान से सुनना है। तो आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, एल नाम वाले जातक एवं एल नाम वाले जातक यदि किसी भी प्रकार के संबंध में आते हैं तो आप दोनों के बीच में एक समानता बहुत ज्यादा होती है। इस नाम के जो जातक होते हैं वो अपने अपने जीवन में अपने जीवन साथी या अपने प्रेमी प्रेमिका के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, बहुत ज्यादा वफादार होते हैं एवं कभी भी अपने जीवन में अपने जीवन साथी या अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ में कोई भी छल कपट या कोई भी धोखाधड़ी नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम एल नाम वालों की बात करें तो एल नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में परिवर्तनशील होते हैं। इनको अपने जीवन के यात्रा में कुछ नया एवं कुछ अलग ये करने का प्रयास ये बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन मित्रों, इसके अलावा एल नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो स्वभाव से बहुत ज्यादा क्रोधी, बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं एवं ये हमेशा अपने जीवन में अपने क्रोध को, अपने गुस्से को सबसे पहले एवं सबसे ज्यादा महत्व देते हैं एवं ये अपने क्रोध के सामने में, अपने गुस्से के सामने में किसी और इंसान की बातों को, किसी और इंसान के विचारों को नहीं सुनते हैं एवं ऐसे समय में आप दोनों के बीच में कुछ परेशानी, कुछ समस्या अवश्य होती है। वैसे इसके अलावा एल नाम वाले जो भी जातक होते हैं वो हमेशा अपने जीवन में अपने जीवन साथी के विचारों को, उनके आवश्यकताओं को बहुत ज्यादा महत्व, बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं एवं अपने दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के अच्छे समय में एवं उनके बुरे समय में उनका सपोर्ट, उनका समर्थन बहुत ज्यादा करते हैं। मित्रों, एल नाम वालों के बारे में इतनी बातें जानने के बाद यदि हम ये जानना चाहें कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, दोस्तों आप दोनों के बीच में जो बंधन बनेगा वो बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, यानी कि आपको शादी अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में जय हनुमान आप कमेंट अवश्य कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद।